विराट ने ना मुझे खुद की इज्जत करना सिखाया है, और वो गैस वाला हादसा, अगर विराट वहां पे नहीं आता तो मैं अमू बच पाते या नहीं? उसी ने हमारी जान बचाई है। वो बिजली वाला चूल्हा क्या कहते हैं उसे, इंडक्शन, हाँ वो भी उसी ने लाकर दिया है। उसने मेरे लिए, जहान के लिए, हम सब के लिए बहुत कुछ किया है, एक एक बेटी की तरह। आप ही बताइए सासू भाई, मैं उस पे भरोसा कैसे ना करूं? पहले तू मुझे एक बात बता, आज अगर अर्षा किसी लड़की को मदद करता, मतलब जो तुझे नापसंद है वो, तो तुझे कैसा लगता? ठीक नहीं लगता था ना? सामने वाला हर कोई ऐसा ही सोचेगा कि जरूर कोई बात है। जो लड़का अपनी माँ के खिलाफ जाके अमू के लिए झगड़ा करता है तो इसमें कोई जरूर बात है। सही कह रही है आजी तू, लेकिन इनको समझा समझा के मैं थक चुका हूँ, सुनते ही नहीं। भवानी, तू और अमू नाक के सामने चलने वाले दोनों है। ये दुनिया टेढ़ी है, ये आहूजा जलेबी जैसे टेढ़े मेढ़े है। इनके बोल नहीं, इनके झोल पे ध्यान दे। मैं बता रही हूँ तुझे, विराट के बदले हुए रूप के पीछे जरूर कोई बात है। सासू भाई, पहले मैं भी यही सोचती थी, तब हम उसे जानते नहीं थे ना, लेकिन अब वो जो, मुझे इस बारे में कुछ बात नहीं करनी है। मुझे जो भी बोलना है मैं आमू से बात करूंगा, बस। सही बोल रही है आजी तू, हमें उस अमीरजादे से संभल के ही रहना होगा। और ये सारी पैकिंग हम ही लोग करेंगे क्या? ताई किधर है? फिर से तो नहीं अंदर? नहीं, मैं बताना भूल गई तुम लोगों को, अमू का मैसेज आया था, उसने कहा कि वो हमारे लिए होटल ढूंढने गई है। अब नया ठिकाना ढूंढना पड़ेगा ना, जब तक घर नहीं मिल जाता वापस, यहाँ तो नहीं रह सकेंगे। लेकिन विराट ने अमू से कहा था कि यहाँ रह लो, जब तुम्हारा घर वापस मिल जाएगा तब चले जाना। नहीं, अगर वो सच में नेक दिल इंसान नहीं होता तो वो ये नहीं कहता ना। असल में वो सच में बहुत अच्छा लड़का है, हम सबकी परवाह कर रहा है वो। तेरी बेटी को बेवकूफ बना के वो चला जाएगा ना, तभी तेरे ध्यान में ये बात आएगी। यही गलती तूने जयेश के मामले में की थी, ध्यान में रखना।